दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैम टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और लोन सेलिंग टिप लेकर आ गया हूं जिसके अंदर आप आसानी से लोन ले सकते हैं। कौन सी वो ऐप है, क्या उसका प्रोसेस है, लाइव सारा का सारा करके बतलाऊंगा और सारा का सारा स्टेप बाई स्टेप समझिएगा जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ये ऐप आपको 100% लोन प्रोवाइड करेगी और आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं उस ऐप के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में सारा का सारा। तो दोस्तों कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा जिससे कि आप लोगों को लोन लेने में प्रॉब्लम हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भाई हमारे चैनल पर नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐप के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल मैं आपको पर्सनल लोन के बारे में बतलाने वाला हूँ, तो आप सिर्फ उसके बारे में समझिए। बाकी जब आप ऐप के अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको प्रोसेस कम्प्लीट करना पड़ेगा और क्या क्या इसका प्रोसेस है, वो सारा का सारा इसके अंदर आपको मैं बतलाने वाला हूँ। चलिए थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पर ओपन होने देते हैं इसे सारे के सारे को। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप यही मोबाइल नंबर जो आपने इसके अंदर रजिस्टर करते हुए दिया है वही करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर आप नया करना चाहते हैं तो यहाँ ओके कर दीजिए, अगर वही रखना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया है। अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस की। समझिएगा सारा का सारा बिल्कुल कहीं भी ऐप को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, सबसे पहले तो आपको जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम होगा वो आपको डाल देना है यहाँ पर। चलिए ये मैं डाल देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी है, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करनी है। ज़्यादातर ऑल इंडिया में वर्क करती है लेकिन ये कुछ चुनिंदा सिटीज़ यहाँ पर आपको दिखलाई जाती है, अगर चाहे तो आप अदर पे भी कर दीजिए। मेरी दिल्ली है तो मैं दिल्ली कर देता हूँ फटाफट और उसके बाद आगे आपको बतलाता हूँ किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है इस ऐप के अंदर। चलिए दिल्ली आ चुका है यहाँ पर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके। यहाँ पर आपको योर करंट रेसिडेंट, आप किस आपका करंट रेसिडेंट एड्रेस क्या है, आप हॉस्टल में रहते हैं या आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है या आपका अपना है पेंगे या जो भी आपका, यहाँ पर आप डाल दीजिए। रेंट विद फैमिली, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ यहाँ पर आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये ध्यान में रखिएगा, आप अगर आप सैलरीड पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है ये ऐप आपसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगे, आपसे सैलरी स्लिप भी मांगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आपका अगर बैंक में भी अच्छा खासा लेन देन होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप होंगे, आपका अच्छा खासा होगा तो आपका यहाँ पर भी काम हो जाएगा किस तरीके से, चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ, जो भी मेरी कंपनी है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसका नाम। उसके बाद यहाँ पर आगे करता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी मंथली इनकम है वो कितनी है वो यहाँ पर डाल देना है आपको। उसके बाद आपकी एक्साइटिंग EMI मंथली कितनी चल रही है वो भी यहाँ पर आप डाल दीजिए। चलिए मेरे अच्छा यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको HDFC बैंक वगैरह में आपके सैलरी वगैरह आती है तो यहाँ पर क्लिक करिए, अगर नहीं आती तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक मत करके डायरेक्ट ऑफर पर जाइए आप, वहाँ से आपको आगे का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे कोई भी आपको स्टेप स्किप नहीं करना, कहीं पर भी सारे स्टेप समझने हैं। देखिए यहाँ पर अच्छा चलिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर कस्टमाइज ऑफर, यू आर एलिजिबल फॉर ए लोन अप टू 2,10,000 रुपये तलक के लिए मुझे यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। 3 साल के लिए मैं ले सकता हूँ, चाहे तो आप कम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप 50,000 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से जितना आपको लोन चाहिए उस हिसाब से कर दीजिए आप इसको, 50,000 60,000 टोटल आप 50,000 तक का तो यहाँ पर ले ही लेंगे यहाँ पर आपको। अगर मैं बात करूँ 50,000 तक की, यहाँ पर 3 साल के लिए आप अगर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी EMI कितनी बैठेगी, मंथली EMI बैठेगी आपकी टोटल 1,794 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, यहाँ पर आपकी मैं बात करूँ टोटल इंटरेस्ट पर आपका कितना पैसा जाएगा, 14,584 रुपये जाएगा। अगर ये 1 साल के लिए करते हैं तो सिर्फ आपका 4,000 रुपये। तो देखिए अगर आपको लोन लेना है तो ज़्यादा लंबा चौड़ा मत बंधिए, आप कम टाइम के लिए लें चाहे कितना भी लोन लें। उसके बाद आपको करना है अप्लाई नाउ पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो मैं आपको बतला देता हूँ, उसके बाद आगे आपको उसको करना है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर फ़िलहाल में लोन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आगे का प्रोसेस में आपको यहाँ पर डालनी है वर्क इन्फॉर्मेशन अपनी। चलिए मैं ये फटाफट डाल देता हूँ और उसके आगे आपको बतलाता हूँ आगे का क्या स्टेप बच रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपको वर्किंग ईमेल आईडी और आपको पर्सनल ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, आपको वो ओटीपी डालना है और उसके बाद आपको अपने लोन किसके लिए चाहिए ये भी आपको डाल दीजिएगा यहाँ पर, जो भी आपको बेहतर लगे प्रोग्राम वगैरह या किसी भी चीज़ के लिए आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए अगर आप जो भी आपको बेहतर लगे वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पर चलिए पर्सनल यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं फटाफट ओटीपी डाल देता हूँ, दोनों के दोनों मेरे पर्सनल, आप वर्किंग ईमेल आईडी में जोन से मर्जी डाल दीजिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा ईमेल आईडी है तो वो डाल सकते हैं आप। चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगले में स्टेप में जो कम्प्लीट करना है वो डालना अपना एड्रेस। यहाँ पर आप फटाफट एड्रेस कम्प्लीट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है, रेसिडेंट एड्रेस और उसके बाद ऑफिस एड्रेस जो भी आपका होगा वो डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप सारा का सारा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए, यहाँ पर आपका आगे का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी हो चुकी है पूरी कंप्लीट। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, पैन कार्ड नंबर डालना और उसके बाद आपको एक आईडी डालनी है, वोटर कार्ड डाल सकते हैं आप, पासपोर्ट डाल सकते हैं और यहाँ पर आप डाल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ तक के कंप्लीट मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, उसके बाद आप अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके इसमें आसानी से लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएंगे, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से जितना भी आपको एलिजिबिलिटी, आपकी जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी आपके पैन कार्ड के रिकॉर्डिंग, उस हिसाब से आपको मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको डालने के बाद जो आपके लिए बेहतर होगा वो डालने के बाद आपको इसके अंदर आसानी से लोन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारा प्रोसेस मैंने लाइव दिखला दिया है आपको किस तरीके से लोन मिलेगा, उस इसके बाद आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।